दोस्तों आज हम बनाने वाले हैं बाबा गनोश। नाम सुना है? बैंगन का भरता। यार बैंगन का भरता तो सभी ने सुना है, खाया है, देखा है। बैंगन लेते हैं दो तीन, तीन बैंगन, हल्का सा ऑयल लगा देते हैं सरसों का और उनको भूनते हैं। आग बहुत तेज़ है यार, इस पे हाथ जलते हैं और ये बहुत ज़्यादा, कुछ ज़्यादा ही तेज़ है। चलो इतना तो करना ही पड़ेगा जब खाने का स्वाद लेना है। तो बैंगन भुन चुके हैं हमारे, तो अब बारी है इनका, कीमा बना देते हैं। कीमा, तो कीमा भी सुना होगा आपने यार, आज बनते हुए भी देख लो। ये देखो हर चीज़ का कीमा ऐसे ही बनता है, बहुत ही सुपर टेस्टी कीमा होता है और आज ये भी बहुत टेस्टी बनने वाला है। तो कीमा इसका तैयार हो चुका है, ये देखिए बिल्कुल बारीक। अब बारी है हमारा, पैन लेते हैं, कास्ट आयरन, बहुत हैवी पैन है, इसमें खाना बनाने का अलग ही मज़ा है भाई। सरसों का ऑयल थोड़ा सा डाल के उसमें डालते हैं जीरा, थोड़ी सी अजवाइन और दो तीन सूखी लाल मिर्च और तेज पत्ता, ज़्यादा कुछ नहीं। इसको थोड़ा सा गरम होके होने देते हैं और बारी आती है अब हमारे कुछ लहसुन और रियली रियली बैड एस चिलीज। बहुत तीखी थी यार ये, मैंने सोचा नहीं था उतनी तीखी चिल्ली है ये। दिखने में नहीं है लेकिन बहुत तीखी है ये। थोड़ा सा और लहसुन लेते हैं, डाल देते हैं। तो प्याज लहसुन इन सब की बारी आई है ये सब डालने के बाद, तो प्याज डाल देते हैं पहले एक कटा हुआ। तो थोड़ा सा प्याज को कर्मलाइज होने देंगे थोड़ी देर के लिए, उसके बाद हमारा लहसुन हरी मिर्च ये डाल देंगे। ठीक है, इसको भी होने देते हैं थोड़ा सा और आग में इन चीज़ों का मतलब कैरमलाइज होने का अलग ही मज़ा है। इसके बाद एक टमाटर काट देंगे, एक टमाटर डाल देंगे इसके अंदर और फिर हमारा हल्दी, जो ड्राई मसाले हैं वो हल्दी मिर्ची, ठीक है, और नमक। इस चीज़ का नंबर आता है, ये सारे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग होते हैं, क्वांटिटी एंड टेस्ट। अब आए हैं हमारे बैंगन राजा, कीमा बन गया था जिनका, ये डाल देते हैं और इसमें होने देते हैं 4 से 5 मिनट। वैसे तो बैंगन पका हुआ है लेकिन फिर भी हम इसको 4 से 5 मिनट इसको सॉटे करते रहेंगे। ये देखिए कितना बढ़िया कलर, हर चीज़ का अलग रंग दिख रहा है। अगर हम इसमें हल्दी ज़्यादा डाल देते तो ये और कलर नहीं दिख पाते आपको, जैसे रेड टमाटो, ग्रीन चिली, अभी सब देखो अलग अलग दिख रहा है, तो कलरफुल होना चाहिए। तो ये हमारा लगभग देखो रेडी हो गया है, हम इसको बाहर निकालते हैं। ये देखिए ज़बरदस्त क्या खुशबू है और क्या कलर है। इसमें कच्चा टमाटर और थोड़ा सा हरा धनिया ऊपर से डाल दिया है हमने, ये देखिए दोस्तों ज़बरदस्त। और अब हम अपने अंगारों पे ब्राउन ब्रेड, जिसमें मैंने बीच में बटर रखा हुआ है, अपना घर वाला बटर, सफ़ेद वाला, मार्केट वाला नहीं। और ये 3-4 मिनट में ज़बरदस्त हो गई है, देखो हल्का हल्के बटर की खुशबू और क्रिस्पी ब्रेड, बहुत ही ज़बरदस्त अंगारों पे सिकी हुई
इसका स्वाद अलग ही होता है दोस्तों। गैस पे आप अगर आप सेकते हैं तो उसका टेस्ट अलग होता है, अंगारों पे कोई चीज़ सेकते हैं उसका टेस्ट बिल्कुल अलग होता है। तो ये देखो, क्या बताऊं, एक ही बात, जबरदस्त।